दस्तरखान की दुनिया में मोस्ट वेलकम। आज हम आपके लिए मेथी और मूंग की दाल की रेसिपी लेकर आए हैं। ठंडी में आपको बहुत ही फायदेमंद साबित होगी और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर 2 मुट्ठी के करीब मेथी के पत्ते ले लिए हैं। इसे तोड़कर अच्छे से साफ कर लिया था और वॉश करके रख लिया था और छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। यहाँ पर मैंने 150 ग्राम के करीब मूंग की छिलके वाली दाल ली है। जो हरी मूंग की दाल आती है वो छिलके वाली 150 ग्राम के करीब ले ली है। अब हम यहाँ पर एक प्रेशर कुकर में 1/4 कप के करीब ऑयल शामिल करेंगे। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा हम यहाँ पर 1/2 टीस्पून के करीब जीरा डालेंगे और इसे क्रेकल होने देंगे। जीरा क्रेकल होते ही हमने यहाँ पर एक छोटी प्याज को चॉप कर लिया था और शामिल कर देंगे और इसे कुछ देर के लिए भून लेंगे। इसे हमें लाइट गोल्डन कलर का भुनना है। इसके बाद हम यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और उसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे कि हम मसाले डालें तो तले में चिपके नहीं। हमने यहाँ पर 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर शामिल किया है। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे और 1/2 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर शामिल करेंगे और फिर इसे भी कुछ देर के लिए भून लेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करके हमें कुछ देर और भूनना है जब तक कि हमारा ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। इसके बाद हमने जो मूंग की दाल थी उसे धोकर हमने इसमें शामिल कर दिया है और उसे भी कुछ देर हम लगातार भून लेंगे। देखिए ये मूंग की दाल और मेथी की भाजी बहुत ही टेस्टी बनती है। अब यहाँ पर हम इसमें नमक शामिल करेंगे। हम यहाँ पर थोड़ा सा नमक शामिल किया है क्योंकि मेथी की भाजी में अपना एक नमक का टेस्ट होता है, इसलिए हमने यहाँ पर पहले थोड़ा सा ही नमक शामिल किया है। अब इसे भी हम लगातार भून लेंगे। 1-2 मिनट भुनने के बाद हमने यहाँ पर जो मेथी के पत्ते धोकर रखे थे उसे भी काट कर इसमें शामिल कर दिया है और इसे भी अच्छे से चलाकर हम भून लेंगे। मेथी की सब्जी में आयरन बहुत मात्रा में होता है। इसे खाने से हमारे जो खून की कमी होती है वो भी दूर होती है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जिससे कि हमारी दाल गल जाए। मैंने यहाँ पर 1/2 लीटर के करीब पानी शामिल किया है। मैं यहाँ पर पतली दाल बना रही हूँ। अगर आप गाढ़ी दाल बनाना चाहते हैं तो पानी की मात्रा कम कर दें। अब इसे अच्छे से चलाकर हम प्रेशर कुकर की लीड लगा देंगे और इसे 2 से 3 व्हिसल आने तक गला लेंगे। प्रेशर कुकर ठंडा होने पर हमने खोलकर चेक किया तो हमारी मेथी और दाल गल चुकी थी, लेकिन यहाँ पर सूखी मेथी है। अगर आप सूखी मेथी खाना चाहते हैं तो इसी स्टेज पर आप रहने दें। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो और नमक शामिल किया है। आप नमक की मात्रा देखकर चेक करके डालें। अब देखिए इसमें मैंने गर्म पानी शामिल कर दिया है और इसे चलाकर हम कुछ देर के लिए पका लेंगे। अब इसे हम तड़का देंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून के करीब देसी घी गर्म कर लिया था और उसमें 4-5 लहसुन की कली हम चॉप करके शामिल करेंगे। यहाँ पर लहसुन अच्छे से पक चुका है। अब इसमें हम दाल में शामिल कर देंगे। ये दाल बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनती है और रोटी या चावल के साथ ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसे आप एक बार ज़रूर बनाइए और मुझे फीडबैक दीजिए कि आपकी ये दाल कैसी बनी। मुझे आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा।